हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। देखो जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। क्या बात है, वाह। मैदान-ए-महशर का मंजर निगाहों में रखे और खुसूसियत के साथ ये शेर समाप्त करें कि हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। बैठे 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 जी जी माशाल्लाह। हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने करना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने करना संभाला तो किधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने करना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने करना संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी हर सांस की डोरी तेरे पंजतन से जुड़ी। या रसूल अल्लाह, मेरी हर सांस की डोरी तेरे पंजतन से जुड़ी। मेरी हर सांस की डोरी तेरे पंजतन से जुड़ी। बेखतर होके लहद में मैं उतर जाऊंगा। बेखतर होके लहद में मैं उतर जाऊंगा। बेखतर होके लहद में मैं उतर जाऊंगा। नारे तकबीर। बहुत अच्छे शेर पढ़े जा रहे हैं, उनका इस्तकबाल भी उसी अंदाज में होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने रसूल अलसियाबोद, मुसलमानाने अहले सुन्नत। बहुत अच्छा भाई, उस्मान भाई जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। बेखतर होके लहद में मैं उतर जाऊंगा। इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से। इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से। इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। और ये शेर दुआओं के साथ मुलादा फरमाए। बहुत अच्छा, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बेखतर होके लहद में मैं उतर जाऊंगा।
लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा। नती भी जन्नत देखी है, क्या बात सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से मुस्कुरा करके प्यार की नजर से इनको देख करके सुभान अल्लाह बोलो आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कि जन्नत की भी जन्नत देखी है, जन्नत की भी जन्नत देखी है, काबे का भी काबा देखा है, जन्नत की भी जन्नत देखी है, काबे का भी काबा देखा है, कि जन्नत की भी जन्नत देखी है, काबे का भी काबा देखा है। अरे मैं भूल गया हर एक मंजर, मैं भूल गया हर एक मंजर, जिस दिन से मदीना देखा है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत ठोके सुना है आपने माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जिस दिन से मदीना देखा है और सरकार के रोजे पर मैंने, सरकार के रोजे पर मैंने एक खास नजारा देखा है, कि सरकार के रोजे पर मैंने एक खास नजारा देखा है, बस एक झलक पाने के लिए, बस एक झलक पाने के लिए दीवाना मचलता देखा है, बस एक झलक पाने के लिए दीवाना। अरे फिर पढ़ते हैं शेर को, वाह वाह क्या बात है, ओए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मरहबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله الحمد لله سرکار کے روضے پر میں نے ایک خاص نظارہ دیکھا ہے کہ سرکار کے روضے नजारा देखा है, बस एक झलक पाने के लिए, बस एक झलक पाने के लिए दीवाना मचलता देखा है, बस एक झलक पाने के लिए दीवाना। एक शेर और सुनो, बहुत अच्छा से बोले यार, सुनो बहुत अच्छा यार, दीवाना मचलता देखा, बहुत अच्छा भाई, दीवाना मचलता देखा है। कोशिश कीजिए बात जहां की चल रही है वहीं पहुंच जाए, ये तब होगा खुदा की कसम जब आप नाजिर भाई का हुक्म हो रहा है, फिर तिबारा पेश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिल लगाइएगा और महसूस कीजिएगा कि गुम्बदे खजरा हमारी निगाहों के सामने है, हां सुभान अल्लाह, और इल्तिजा कर रहे हैं आका की बारगाह में, वो सारे मनाजिर हमारी निगाहों के सामने, क्या बात है, तवज्जो के साथ सुने। सरकार के रोजे पर मैंने एक खास नजारा देखा है, कि सरकार के रोजे पर
خاص نظارہ دیکھا ہے بس یہ جھلک پانے کے لیے بس یہ جھلک پانے کے لیے دیوانہ مچلتا دیکھا ہے بس یہ جھلک پانے کے لیے دیوانہ مچلتا دیکھا ہے پانے کی اور یہ کہہ کے کئی لوگوں نے میری سبحان اللہ یہ کہہ کے کئی لوگوں نے میری آنکھوں کو ادب سے چوم لیا کہ یہ کہہ کے کئی لوگوں نے میری آنکھوں کو ادب سے چومیا قسمت کے دھنی ہو کہ تم نے قسمت کے دھنی ہو کہ تم نے سرکار کا رضا دیکھا ہے تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد ارے بھائی زندہ باد قسمت کے دھنی ہو کے تم نے سرکار کا روزہ دیکھ لیا واہ واہ سچ ہے یہ زندہ باد زندہ باد سرکار کا روزہ دیکھا ہے عثمان کوئی جب پوچھے ہے سبحان اللہ کیا بات عثمان کوئی جب پوچھے ہے کیا دیکھا ہے دنیا میں رہ کر کہ عثمان کوئی جب پوچھے گئے کیا دیکھا ہے دنیا میں رہ کر تو جھوم کے میں یہ کہتا ہوں تو جھوم کے میں یہ کہتا ہوں ہاں میں نے مدینہ دیکھا ہے تو جھوم کہ میں یہ کہتا ہوں ہاں میں نے مدینہ دیکھا ہے ہاں میں نے مدینہ دیکھا ہے مجبوریاں یہ ہیں میں بالکل آپریٹر صاحب سے کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں اگر یہ بالکل بھی نہیں بولے گا انشاءاللہ تعالی تب بھی ہم پڑھیں گے سبحان اللہ کیا بات ہم اس کے قائل نہیں ہیں وقتی طور پہ ضرورت ہے اگر یہ کسی وقت میں بند ہو گیا انشاءاللہ تو زبانیں بند نہیں ہو سکتی ہماری بے شک سبحان انشاءاللہ تعالی تو اس لیے میں کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ ان کے سامنے بھی مجبوریاں ہیں مگر عادت اس کی پڑ چکی ہے نا تو وہ ہلکا پھلکا بڑھا دیجیے آواز دیکھ لیا ہے دقت آتی ہے درود پاک پڑھ لیجیے اللہ ہاں اس کی آواز درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم